हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो है डावर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मुस्लिम लॉ हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की ये जो हमारी सीरीज़ है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुस्लिम लॉ फैमिली लॉ, तो भैया आना ही है। तो मुस्लिम लॉ में डावर से क्वेश्चन ना आए ये इम्पॉसिबल है, तो तैयारी के लिए जुट जाइएगा। और अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई सवाल है तो क्या करना है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करना है, फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम पूर्ण रूप से देने की कोशिश करेंगे। तो और अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड करके हमारे साथ प्रिपरेशन जो है शुरू कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज वीडियो। अब बात करें डावर की। डावर की अगर मैं बात करूँ तो डावर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये बात करते हैं। अपोस्टेसी जो है कन्वर्जन हो गया, तो कन्वर्ट मूवमेंट क्या डावर के लिए इंटाइटल है, तो हाँ जी वो इंटाइटल है, लेकिन वो कहाँ पर इंटाइटल है, वो डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत इंटाइटल है। अब बात करें सूट फॉर डावर एंड लिमिटेशन, यहाँ से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आता है भैया, यहाँ पे याद रखना। हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है इसका मतलब मियाँ बीबी के बीच में किसी भी प्रकार के सेक्शुअल संबंध नहीं हुए हैं, देर इज़ नो रिलेशन फिजिकल रिलेशन, तो डावर का अमाउंट जो है हाफ मिलता है। अब बात करें डावर के लिए सूट या लिमिटेशन पीरियड जो है आर्टिकल नंबर 113 इंडियन लिमिटेशन एक्ट में 3 साल और किस दिन से होगा, जिस दिन आपने डिमांड किया और आपका डावर जो है रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अब बात करें डावर की, अमाउंट ऑफ डावर जो है वो बेसिकली एग्रीमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इट इज़ फिक्स्ड बाय द एग्रीमेंट। वन पार्टी अगर डाई हो जाती है जैसे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या डावर मिलेगा, अगर कंज्यूमेट हुई है तो होल डावर, और अगर लड़की एक्सपायर हो गई, फॉर एग्जाम्पल भैया डेथ तो अनसर्टेन है ना, कि लड़का भी मर सकता है लड़की भी मर सकती है, अगर लड़की मर गई तो जो डावर है वो उसके हायर्स को चली जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं दो प्रकार की डावर्स होती हैं, एक होती है अनस्पेसिफाइड डावर, एक होती है स्पेसिफाइड डावर। बात करें अनस्पेसिफाइड डावर की, तो अनस्पेसिफाइड डावर वो डावर होती है जो प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं मेहर अमिजल, अगर इसमें कंज्यूमेट हो गई, ये चीज़ याद रखिएगा, अगर मैरिज जो है कंज्यूमेट हो गई, कंज्यूमेट होने का मतलब है मियाँ बीवी के बीच में शारीरिक संबंध अगर बन गए हैं तो भैया वो फुल डावर क्लेम कर सकती है। अगर मैरिज इरेगुलर है, मैरिज अगर इरेगुलर है फासद है तो अनकंज्यूमेटेड है लेकिन डेथ से डिजॉल्व हुई है, दोनों के बीच में जो है देर वॉज नो रिलेशन, अनकंज्यूमेटेड है लेकिन डिजॉल्व हो गई है, इरेगुलर मैरिज, वाइफ इज एंटाइटल टू द स्पेसिफिक डावर या स्पेसिफाइड डावर या प्रॉपर डावर जो भी कम होगी। अगर वाइफ डाइवोर्स करती है हो जाता है देन वाइफ इज एंटाइटल टू द हाफ डावर और एट प्रेजेंट 3 dresses का जो है सिनेरियो होता है। अगर वाइफ डाइवोर्स बाय हस्बैंड तो इसको बोला जाता है वैलिड रिटायरमेंट ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर वाइफ जो है या तो आधी डावर ले लीजिए मैडम, या फिर आप 3 dresses के जो है जो आर्टिकल्स हैं उनके आप अमाउंट ले लीजिए। अब बात करें ये जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, सुन्नीज और सियास से ये क्वेश्चन आता है, मिनिमम 10 dirham स्पेसिफाइड डावर के लिए के बारे में सुन्नी कहता है, वहीं पर शिया कहता है कि भाई कोई लिमिट नहीं है। वहीं पर सुन्नीस कहता है कि नो मैक्सिमम लिमिट, लेकिन शियास कहते हैं कि भैया 500 दिरहम से ज़्यादा हम नहीं देंगे। सुन्नीस देयर इज़ नो लिमिट ऑफ प्रॉपर डावर, सुन्नीस में प्रॉपर डावर का कोई लिमिट नहीं है, वहीं पर शियास में प्रॉपर डावर का लिमिट है 500 दिरहम। अब मैरिज जो है दोनों ही तरीके से अगर मैं बात करूँ तो डेथ से या डाइवोर्स से अगर सुन्नीस में डिसॉल्व होती है वाइफ इज़ एंटाइटल्ड फॉर द प्रॉपर डावर, और वहीं पर अगर नो डावर शिया क्या कहते हैं भैया डावर नहीं मिलेगा अगर मैरिज जो है आपने कंज्यूमेट नहीं की है, एन एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू नो डावर इन सुन्नी इज वॉइड। अगर मियाँ बीबी के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया कि भैया जो है मैं आपसे कोई भी डावर क्लेम नहीं करूँगी, तो ऐसा कोई डावर जो है वो वैलिड डावर नहीं मान, वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं माना जाता है। वो सुन्नीस क्या कहते हैं भैया एग्रीमेंट भी कर लो लेकिन फिर भी आपको बीबी को जो है डावर देना पड़ेगा।
एन अडल्ट वाइफ, लेकिन अगर जो अडल्ट वाइफ है वो क्लेम करती है, ठीक है, तो भैया शी इज एंटाइटल अंडर शियाज लॉ, शिया के साथ मैं क्या कहते हैं कि अगर अडल्ट वाइफ एग्रीमेंट करती है अपने पति के साथ, सुन्नीज उस एग्रीमेंट को वर्ड बता रहा है, लेकिन शियाज क्या कह रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट किया गया है तो वो वैलिड है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। भारद्वाज लॉ अकेडमी की हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के लिए अगर टेस्ट सीरीज अवेल करनी है तो आप मुझे 8377032873 पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। 12 जनवरी से ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, 35 टेस्ट इसमें अपलोड हो चुके हैं, सारे के सारे प्रीवियस टेस्ट आपको मिलेंगे। ऐप और PDF में ये सीरीज है, तो आप ऐप पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है और PDF को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।